हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ईडी एकेडमी तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देन हमने नेशनलिज्म की डेफिनेशन देखी फेडरिक सोरो का विजन देखा कि फेडरिक सरो की जो पेंटिंग थी हमने उसको समझा था कि फेडरिक्सरो क्या, क्या, क्या कहना चाहते थे उन्होंने कैसा नेशन वो बनाना चाहते थे कैसी कंट्री वो बनाना चाहते थे ठीक है अब आज हम लोग देखने वाले हैं द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन क्या कहा था मैंने आपको पहले वाले वीडियो में जब इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था हमेशा पहले क्या समझना है हमको टॉपिक समझना है टॉपिक क्या कह रहा है देन फिर टॉपिक के अंदर हमको जाना है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ठीक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यानी कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था

प्रेजेंट सिनेरियो से मैच करके देखोगे कि अरे डेमोक्रेसी नहीं पता था क्या तो नहीं पता था उस टाइम पे लोग इतने लिटरेट नहीं होते थे इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी वुमेंस को भी इतना ज्यादा राइट्स नहीं होते थे सेवनटीन हंड्रेड की बात है ये ठीक है एटीन सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं तो किसी को कोई भी चीज जब तक नहीं आती नहीं है तो उसके बारे में पता नहीं होता है तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी तब नहीं आया था फ्रांस से ही ये कॉन्सेप्ट आया डेमोक्रेसी का रिपब्लिक का और सोशली इंडिपेंडेंट स्टेट का या इंडिपेंडेंट कंट्री का तो द आइडिया ऑफ नेशन इसीलिए कहा गया है कि जो आइडिया ऑफ नेशन आया वो कहा से आया फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया यानी कि फ्रांस से चलिए समझते हैं द फर्स्ट क्लियर एक्सपीरियंस ऑफ नेशनलिज्म केम विद्ध फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. अब देखो ये बहुत बार भूल जाते हैं 1789. इसकी ट्रिक याद कर लो 789. एक साथ कितने नंबर आते हैं? तीन नंबर आते हैं 789. याद रखो और इसको इसके आगे वन लगा दो. ठीक है? और इसमें कब तक चला ये? तो इसमें प्लस 10 कर दो तो 1790 Nine. तो ये आप ट्रिक सेवन एट नाइन ऐसे याद रखा करो उसके आगे वन आप लगा दो तो सेवनटीन एटी नाइन आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था उसका ईयर आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा ठीक और दस ईयर तो सेवनटीन नाइनटी नाइन तक ये चला था ठीक है द फर्स्ट क्लियर लाइन कि पहला एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, मतलब पहली झलक जब देखने को मिली 1789 में कहां पर फ्रांस में किसकी झलक देखने को मिली नेशनलिज्म की ठीक है मतलब पहली बार लोगों को अः uh, रिस्पेक्ट और प्यार आया कि हाँ हमको क्या करना चाहिए अपने कंट्री के प्रति ये सारी चीजें करनी चाहिए मोनार्की ट्रांसफर इट्स सोवेनिटी टू इट्स सिटीजन मोनार्की जो थी जो राजा था 16 याद करो क्लास नाइन्थ फ्लैशबैक में जाना है आपको 1789 16 वहां का राजा था मैरी एंटोनी उसकी वाइफ थी और सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा था वहां पर फ्रांस जो था आपका तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था जो उसकी सोसाइटी थी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी इक्वलिटी नहीं थी इन्फ्लेशन हो रहा था महंगाई बढ़ रही थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वहां पर ठीक है तो मोनार्की ट्रांसफर इज सोवेनिटी तो मोनार को में ट्रांसफर कर रहे थे कि किसी का भी एक का काम नहीं कर रहा था पीपल ओन डेस्टिनी। ठीक है? यहां पर लोग अपनी जो डेस्टिनी अपनी जो किस्मत है उसको खुद शेप देना चाहते थे कैसे इक्वल राइट्स के थ्रू इंडिविजुअली वो क्या चाहते थे फ्रीडम चाहते थे इक्वालिटी चाहते थे जो कि फ्रांस में तो यहाँ पर लोग क्या चाहते थे अपनी डेस्टिनी खुद लिखना चाहते थे क्योंकि लोगों की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी आपको बताएं सोसाइटी क्लर्जी नोबल और पीजेंट्री क्लास में क्या थी डिवाइडेड थी जो क्लर्जी और नोबल्स थे वो सारे प्रिवलेज इंजॉय करते थे उनके पास बहुत पैसा बहुत वेल्दी थे वो लोग लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और दिन पे दिन क्या होती जा रही थी खराब होती जा रही थी आइडिया स्प्रेड अक्रॉस यूरोप तो जब फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो ये जो आइडिया था ये धीरे धीरे पूरे, पूरे पार्ट में यूरोप में फैला अब मान लो इंडिया में कोई चीज की डिमांड होती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से ही तो उठेगी वो आवाज अगर उठ रही है तो मान लो किसी स्टेट से उठ रही है मान लो गुजरात से उठ रही है धीरे धीरे वो जगह जगह स्प्रेड होगी तो ऐसा ही क्या हुआ कि फ्रांस जो है आपका यूरोप में आता है फ्रांस कंट्री जो है यूरोप के कॉन्टिनेंट में आती है तो वहां धीरे धीरे ये चीज क्या होती गई स्प्रेड होती गई आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में एक ड्यूक मैटरनिच थे जिन्होंने क्या कहा था कि वेन फ्रांस इज एन होल यूरोप कैमिन कोल्ड ठीक है तो क्या हुआ था यहां पर कि उन्होंने कहा था कि अगर फ्रांस को क्या होगी सर्दी होगी तो पूरा जो यूरोप है वो क्या हो जाएगा बीमार हो जाएगा ठीक है तो द तो आइडिया स्प्रेड अक्रॉस यूरोप तो ये फ्रांस का जो आइडिया था रिवॉल्यूशन का जो आइडिया था वो फ्रांस से निकल के धीरे धीरे यूरोप के अलग पार्ट्स में फैला और देन फिर बाकी वर्ल्ड के पार्ट्स में फैला ठीक है चलिए आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अब पर फॉर्मेशन हो रहा था कलेक्टिव आइडेंटिटी का ठीक है एडोपन आया किसका आइडिया ऑफ लापेट्रिया जो है आपका फ्रेंच वर्ड है, ठीक है लापेट्रिया का मतलब क्या होता है फादरलैंड जैसे हम मातृभूमि बोलते हैं मदरलैंड uh, है हमारी मातृभूमि भारत माता तो वैसे ही वो लोग क्या बोलते हैं फादरलैंड फादरलैंड बोलते हैं मतलब है मतलब है, 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 है। तो ला पेट्रिया उसको कहते थे वो फादरलैंड एंड ली सिटीन ली सिटीन का मतलब होता है द सिटीजन ये क्या है उसके सिटीजन है मतलब की जो ला पेट्रिया क्या है हमारे पिताजी और हम इसके सिटीजन है जैसे हमारी मातृभूमि भारत माता और हम उसके बच्चे हैं डिजाइनिंग ऑफ द फ्रेंच फ्लैग रिप्लेसिंग द फॉर्मल स्टैंडर्ड तो फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी ठीक है फॉर्मेशन होना कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब कि एक गैदरिंग होनी चाहिए ना जैसे कि हम लोग हमारे में कॉमन हम लोग में क्या कॉमन है हम लोग कैसे कॉमन एक दूसरे में फील करते हैं कि हम लोग क्या हैं हम लोग इंडियंस हैं तो इनके पास कोई कॉमन आइडेंटिटी उस टाइम पे नहीं थी तो इसलिए उन्होंने क्या करा इसलिए उन्होंने आ, ये

फ्रेंच फ्लैग क्या करा डिजाइन करा ठीक है ताकि फ्रांस के जितने भी लोग हैं, वो एक जैसा कलेक्टिव महसूस कर सके इकट्ठा कि हम सब एक हैं, ऐसा फील कर पाए स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय सिटीजन जो स्टेट जनरल है मतलब याद करो स्टेट जनरल असेंबली बनी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वहां के लोगों ने बनाई थी तो ये कैसे इलेक्टेड होगी मतलब बाय सिटीजन इलेक्टेड का मतलब होता है जब भी आप वोटिंग के थ्रू आप किसी भी पर्सन को पावर में लेके आते हो तो वो इलेक्शन इलेक्टेड हो जाता है ठीक रिनेम्ड द नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली को रिनेम किया गया मतलब कि जो स्टेट जनरल असेंबली थी इसका नाम क्या कर दिया गया रिनेम कर दिया गया द नेशनल असेंबली कंपोजिशन ऑफ न्यू हिम्स ठीक है बहुत ज्यादा अलग अलग हिम्स बनाए गए जैसे कि लोगों को समझाने के लिए अपने स्लोगन्स uh, होते हैं नारे होते हैं ठीक है ठीके? इस टाइप की ये सारी चीज़ें क्या की गई वहां पर फ्रांस में बनाई गई दूसरा मार्टियास कोमरेटेड इसका मतलब होता है कि जो भी शहीद हुए मतलब कि फ्रांस में बहुत सारी फ्रांस में बहुत सारे वॉर भी लड़े थे लेकिन उस टाइम पे जिन भी uh, मेल्स ने जिन भी आदमियों ने वहां पर क्या लड़ा था उनके साथ आ, लड़ाई लड़ी थी तो उनको इतनी रिस्पेक्ट और उसके नजरों से नहीं देखा जाता था जैसे कि आज अगर कोई भी इंडिया में कोई भी सोल्जर अगर शहीद हो जाता है तो कितना ज्यादा आपने देखा सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं रिस्पेक्ट करते हैं सारी चीजें लेकिन पहले वहां पर फ्रांस में ऐसा नहीं होता था तो ये मार्टियर कॉमरेटेड का मतलब है कि अब जो भी मतलब होगा जो भी लड़ाई लड़ेगा और अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसको क्या नाम दिया जाएगा कि वो शहीद हो गया ठीक है उसको श्रद्धांजलि सारी चीजें दी जाएगी रिस्पेक्ट दी जाएगी ऐसा पहले नहीं होता था कोई वैल्यू नहीं थी कि हाँ लड़ाई कर रहा था और उसकी डेथ हो गई वहां पर तो ये सारे कॉन्सेप्ट कहां पर आए फ्रांस में आए ठीक है स्ट्रेस ऑन लैंग्वेज ठीक है अब यहाँ पर समझो क्या क्या प्रॉब्लम थी फ्रेंच लैंग्वेज वास इनकरेज तो जो लैंग्वेज पहले क्या होता था फ्रांस बहुत छोटा सा ही आ, कंट्री है इंडिया से बहुत छोटा है लेकिन वहां पर दी अलग अलग जगह क्या होती थी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी वर्नकुलर डायलैक्ट्स जो होते थे वो चेंज हो जाते थे कुछ प्लेसेस के बाद अलग कोई भाषा बोल रहा है तो इसलिए भी ये लोग कॉमन आइडेंटिटी इनकी नहीं थी ये लोग एक जैसा फील नहीं कर पाते थे तो फ्रेंच फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ पर प्रमोट किया गया एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन एग्जिस्टेंस किसका हुआ यूनिफॉर्म लॉ का यूनिफॉर्म हम कहते हैं यूनिफॉर्म पहन के ना तो यूनिफॉर्म ताकि सब लोग एक जैसे लगे तो सबके लिए एक जैसा लॉ फॉर ऑल सिटीजन अबॉइलेशन ऑफ इंटरनल कस्टम एंड ड्यूटीज अबॉलिश करना यानी कि खत्म कर देना रिमूव कर देना इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जितनी भी ड्यूटीज बनाई गई थी इस पर टैक्स देना बहुत ज्यादा टैक्स पे करते थे प्रीजेंट्री क्लास लोग उसको क्या कर दिया गया उसको एबॉलिश कर दिया गया एडोप्टेड टू अ कॉमन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर अब देखो जैसे मैंने लैंग्वेज का बताया कि अलग अलग जगह लैंग्वेज बदलती थी तो सेम यहाँ पर वेट एंड मेजर जो था आपका अलग अलग था अब फ्रांस इतनी छोटी सी कंट्री है लेकिन अगर उसमें धीरे धीरे जगह जगह प्लेसेस पे भी क्या होते थे वेट और मेजर का सिस्टम भी अलग अलग था जिस वजह से ट्रेड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी अब सपोज करो कि अगर इंडिया में आपके हर अगर हर अलग स्टेट में अलग कॉन्सेप्ट हो या अलग करेंसी हो वेट और मेजरमेंट करने का भी अलग कॉन्सेप्ट हो और करेंसी भी अलग हो तो हमको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ट्रेवल करने में कहीं भी जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो इस वजह से एडॉप्टेड टू अ कॉमन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर तो यहाँ पर एक कॉमन सिस्टम लेके आए वेट और मेजर का ठीक वर्ड स्प्रेड नेशनलिज्म स्प्रेड इन यूरोप तो ये नेशनलिज्म जो वर्ड था पहले किसी ने आपका सुना ही नहीं था लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता गया ये स्प्रेड होता गया पूरे यूरोप में जेकोबिंस क्लब सेटअप बाय द स्टूडेंट्स एंड द एजुकेटेड मिडिल क्लास ये अभी फ्रांस का ही पढ़ रहे हैं हम लोग यूरोप में एंटर करें लेकिन फर्स्ट रिवोल्यूशन अभी हम लोग देख रहे हैं अभी बाकी तो बहुत सारा जो चीजें हैं वो बाद में आएगी तो जेकोबिंस क्लब सेटअप बाय द स्टूडेंट्स एंड द एजुकेटेड जो जेकोबिंस क्लब बना था मैक्समिलियन रॉबिस फेयर

आ गया था ठीक है तो नेपोलियन 1799 में आया था देन 1804 में उसने खुद को क्या घोषित कर दिया था एम्पायर उसने घोषित कर दिया था कि वो आज से फ्रांस का क्या है एम्पायर है तो उसका सपना था कि पूरे यूरोप को वो कंक्वायर करना चाहता था पूरे यूरोप के पार्ट को वो कंक्वायर करना चाहता था तो फ्रेंच आर्मी वो धीरे धीरे क्या करा कर था बढ़ रही थी फ्रेंच आर्मी दूसरे पार्ट पर <laughs>